बेटा कहाँ से आ रहा है? पापा वो ये लड़की तेरे साथ कौन है? नमस्ते। कौन है ये लड़की? पापा सामने के मोहल्ले में आपके दोस्त शेखर अंकल की लड़की है ये। पापा मैंने इससे शादी कर ली है। तूने शादी कर ली है? तू शेखर की लड़की को भगा लाया? हाँ पापा। जा मुन्नी बेटी अपने घर वापस जा। अब तीर कमान से निकल गया है ससुर जी। क्या क्या बोल रही है ये? बेटा तेरी उम्र शादी की नहीं है, पहले नौकरी करके कुछ पैसे कमा ले फिर शादी करेगा। नहीं पापा, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, जान है मेरी ये। बेटा हमारा घर बहुत छोटा है, केवल एक बेडरूम है और उसमें भी एक चारपाई है, हम इतने लोग कैसे सोएंगे? हम दो चारपाई में सो जाएंगे, आप और मम्मी जमीन में सो जाना। वाह बेटा वाह वाह, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था। क्या हुआ जी, मेरे लड़के को क्यों डांट रहे हो? अरे तेरा लौंडा सामने मोहल्ले की शेखर की लड़की को भगा के लाया है, बोलता है शादी कर ली है, शादी कर ली इसने। कल मुंह है, तूने ये क्या किया? कौन है ये लड़की? मम्मी ये मुन्नी है। चुन्नी है या मुन्नी, इस लड़की को वापस करके आ। मैं कोई सामान नहीं जो वापस हो जाऊंगी, अब यही मेरा घर है सासू माँ। ये लड़की बड़ी खतरनाक है, और जरा इस लड़के को समझाओ। अरे कितना समझाऊं इसको, ये समझता कहाँ है, मैं समझाते समझाते थक गया हूँ। शेखर जी को फोन करके बोलो, उनकी लड़की हमारे घर में भाग के आई है। भाग के नहीं आई है, मैं शादी करके लाया हूँ। हेलो, हाँ शेखर जी, हमारे घर आओ जल्दी। अरे कुछ सवाल मत करो, हमारे घर आओ जल्दी। हाँ हाँ काम है, हाँ जल्दी आओ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। आ रहा है। देख बेटा बिट्टू, ये अच्छी बात नहीं है, तू अभी जवानी के जोश में है, इस लड़की को इसके घर भेज दे। मम्मी समझा लो पापा को, थप्पड़ मारूंगी तेरे। सोचा था धूमधाम से शादी करेंगे, बैंड बाजा बजाएंगे, मैं तेरी शादी में नाचूंगी। सारे सपने तोड़ दिए तूने, मन करता है तेरी खोपड़ी में मार दूं। इनकी मत सुन मुन्नी, अब यही तेरा घर है, जा अंदर तू आराम कर, तू थक गई होगी। वाह वाह वाह, थक गई होगी, ऐसा भी क्या किया तुमने जो ये थक गई है? खोपड़ी जी नमस्कार। आओ शेखर जी आओ। मुझे घर क्यों बुलाया, कुछ काम था क्या? वो बात ये है कि मेरे लड़के ने भागकर शादी कर ली है, और आप लड़की को भगा कर ले आया? खोपड़ी तेरा लौंडा हाथ से निकल गया है। अरे पूरी बात तो सुनो। अरे कुछ मत बोल, तेरा दुख मैं समझता हूँ, तूने अपने लौंडे को अच्छे संस्कार दिए होते तो ये ऐसा नहीं करता। अरे पूरी बात तो सुन। अरे अब क्या सुनना रह गया, तेरी तो नाक कट गई पूरे मोहल्ले में, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। अरे भाभी जी कम से कम आप तो कुछ संस्कार सिखाते अपने लड़के को, किसी भी ऐरी गैरी सड़क छाप लड़की को घर ले आया होगा, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, ना कभी ना दे। शेखर जी बात यह है कि आपकी लड़की। अरे मेरी लड़की की क्या बात करेगा, मैंने अपनी लड़की को ऐसे संस्कार सिखाए हैं वो मुझे पूछे बिना अपना मुंह नहीं धोती। अरे पूरी बात तो सुनो। मुन्नी मुन्नी बाहर आ। हाँ मुन्नी, मेरी बेटी का नाम भी मुन्नी है, लेकिन नाम मुन्नी होने से कोई मेरी बेटी जैसा नहीं बन जाता, बड़ी चरित्रवान लड़की है मेरी, भगवान ऐसी लड़की सबको दे। अरे इसकी शकल तो मेरी बेटी से मिलती है। शकल नहीं मिलती, ये आपकी ही लड़की है। पापा नमस्ते। Yeah!